हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश भसीन। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि 18th ऑफ दिसंबर में हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में कौन सी एनालिसिस करके चलनी है, कौन से स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं कल के मार्केट के अंदर। सो गाइस, जिस तरीके से मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में चार्ट्स में बता दिया था, जो मैंने आपको बताया था वीकली चार्ट, जो पूरा अब जो वीक स्टार्ट हुआ है उस पूरे वीक में क्या निफ्टी बैंक निफ्टी का बिहेवियर रह सकता है। और मैंने आपको बोला था 200 डे जो मूविंग एवरेज है वो एक वॉल का काम कर रही है, अगर उस वॉल के नीचे चली जाती है, नेगेटिव साइड में चली जाती है तोड़ के, तो हम एक और फॉल देख सकते हैं। पर अगर उसके ऊपर सस्टेन कर देती है तो हम एक अपसाइड भी देख सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि अपसाइड मोमेंटम रहेगी, और मैंने अपने जो व्यूअर्स जो मेरे क्लाइंट्स हैं उन लोगों को मैंने फ्राइडे को ही ऑप्शन बाय करने के लिए दे दिया था बैंक निफ्टी के अंदर ही, तो उन लोगों ने अगर होल्ड करके रखा था तो उन लोगों को अच्छा खासा फायदा हुआ था, मेरे जो क्लाइंट्स थे। सो गाइज, हमने 70 लेवल पे 27,200 और 27,000 दोनों की कॉल ऑप्शन बाय करवाई थी और उसमें बहुत हमें अच्छा खासा फ़ायदा हुआ है। तो गाइज, अब हम बात करते हैं कि वो और कॉल ऑप्शन से आज तो हमने उन्हें एग्जिट करवा दिया है, क्योंकि जो आगे का रेजिस्टेंस है, जो एक आगे हर्डल है, वो शायद हर्डल को टच करते हैं मार्केट एक थोड़ा सा रेंज बाउंड की तरफ या वापस एक प्रॉफिट बुकिंग, हैवी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो किस तरीके से हमें मार्केट में ट्रेड लेना है, कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो करके चलनी है, तो वो वापस मैं आज आपको चार्ट्स दिखाने वाला हूँ। वही जो चार्ट्स मैं आपको बैंक निफ्टी निफ्टी के दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके कल के मार्केट में ट्रेड करके चलना है। तो गाइज, उससे पहले हम बात करेंगे कि कौन से स्टॉक्स में हमें ट्रेड करके चलना है कल के मार्केट में। कल की मार्केट जो हो सकती है वो थोड़ी बहुत वॉलेटाइल हो सकती है, तो आप करिएगा कि स्टॉक्स को पहले, जो आपको मैं स्टॉक्स सजेस्ट कर रहा हूँ उसके बारे में ध्यान से देखिएगा कि वो स्टॉक किस तरह मोमेंटम कर रहे हैं। अगर वो हमारी मोमेंटम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो ही हम उसी में ट्रेड करेंगे, हम ज़रूरतमंद या ज़बरदस्ती इसमें ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करेंगे। मनापुरम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, वोल्टास, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, एनएमडीसी। मनापुरम सेल करने की सलाह दी जाएगी आपको गाइस, 87.25 की क्लोजिंग है, 90.50 का टारगेट, स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है। टारगेट जो आपको अचीव हो सकते हैं 82.80 के अचीव हो सकते हैं। बजाज फाइनेंस, अब शायद इसमें लग सकता है कि थोड़ी बहुत साइडवेज के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाए या साइडवेज ही चले बजाज फाइनेंस, जिस तरीके से हमने इसमें तेजी देख ली है। सो गाइस, 24.75 इसका क्लोजिंग प्राइस है, स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है 25.5 का मेंटेन करना है। टारगेट जो आप अचीव कर सकते हैं बजाज फाइनेंस के अंदर 24.65-24.55 के आप अचीव कर सकते हैं बजाज फाइनेंस के अंदर। वोल्टास सेल, स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके रखना है 576, टारगेट 563-558 के आपको अचीव हो सकते हैं वोल्टास के अंदर। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस सेम एज बजाज फाइनेंस, इसमें भी हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जिस तरीके से हमने इसमें गिरावट के बाद बहुत तेजी देखी थी, अभी साइडवेज चला गया तो साइडवेज के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, तो कंसोलिडेट में लगता है कि ये 20 पॉइंट तक की करेक्शन दिखा सकता है आईबुल हाउसिंग फाइनेंस कल के सेशन में। तो 772-761.80 के टारगेट के साथ स्टॉप लॉस आपको 794 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। एनएमडीसी बाय करने की सलाह दी जाएगी गाइज आप लोगों को, 95 का इसका करंट मार्केट प्राइस है, 92 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना स्ट्रिक्टली। टारगेट जो आप अचीव कर सकते हैं 97-99.70 तक के कर सकते हैं अगर मार्केट हमें पॉजिटिव वे में कल के सेशन में दिखती है। सो गाइज, अब हम बात करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। गाइज, वेडनेसडे को फेड पॉलिसी है और शायद 25 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो सकता है, उसकी वजह से जो यूएस मार्केट है वो बहुत ज़्यादा ही पैनिक है, वर्स हो गई है हमारी जो वॉल स्ट्रीट है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को हमें वो डाउ जोन्स के अंदर और या यूएस मार्केट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। वो शायद हमारी मार्केट को उन्होंने इम्पैक्ट नहीं करा था, क्योंकि हमने देखा था प्रीवियस में वेट फ्राइडे के थर्सडे के सेशन में यूएस की जो मार्केट थी वो 500 पॉइंट्स का करेक्शन ले गई थी, पर गाइस उसके बाद भी जो हमारी फ्राइडे को मार्केट ओपन हुई है उसने अच्छी खासी तेजी दिखाई और 900 के ऊपर, यानी कि 10,900 और अपनी रेंज को तोड़ने की कोशिश अच्छे से करी। सो गाइस, अब देखना है कि फेड पॉलिसी वेडनेसडे को है तो 11,000 का जो लेवल है वो हमें अचीव हो सकता है या नहीं हो सकता निफ्टी के अंदर, तो किस तरीके से हमें रिएक्ट करना है तो वो मैं आपको चार्ट्स में पहले दिखा देता हूँ, उस तरीके से ही हम अपना बिहेवियर लेकर चलेंगे। कोई हमें अपनी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज अभी निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर नहीं बनानी है, जिस तरीके से जो रेंज हमें दिख रही है उस रेंज के पास पहुंचने में हम अपनी ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाएंगे विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। सो गाइस, निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके रखा हुआ, अगर आप मेरी वीडियोस पुरानी देखते हैं तो उसमें आपको पता तो चल ही गया होगा कि ये ट्रेंड लाइन किस तरीके से मैंने लगा रखी है, किस तरीके से ट्रेंड लाइंस का बिहेवियर है। सो गाइस, मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि अगर हम अपने टॉप से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते आए
तो वो टॉप जो हमें शो करता है वो होता है कि ये जो इसका लेवल था 9000 10945 का जो लेवल था, जो 100x मूविंग एवरेज को टच करके नीचे आ गया था। एक तो वो लेवल हमने ज्वाइन करी इस ऊपर जो ट्रेंड लाइन से, हाई से अपनी ट्रेंड लाइन ये ज्वाइन करी, और दूसरी ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करी हमने वो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग, और ये रेंज है जो 2 दिन से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। यानी कि वेडनेसडे और थर्सडे के सेशन में जो 2 दिन मार्केट 50-60 रुपये की जो कंसोलिडेशन कर रहा था 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, वो एक इस रेंज को नहीं तोड़ पा रहा था जो कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बनी आ रही है। पर गाइस आज के सेशन में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता दिया था कि ये शेयर ट्रेंड लाइन टूट सकती है, और जो 200 एक्सपोनेंशियल जो वॉल का काम कर रहा है, हमें एक्सपायरी के आसपास 10,950 11,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और गाइज वही हुआ कि 10,900 का लेवल हमें देखने को मिल गया। अब गाइज 10,945 यानी कि 10,953 एक क्रूशियल लेवल है, हम कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, जहाँ से हम एक प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी के अंदर तो आने वाले टाइम में देख सकते हैं। यानी कि अगर 10,953 से हम प्रॉफिट बुकिंग को देख सकते हैं, और जो नेक्स्ट हर्डल है वो है 11,000, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी हम कह सकते हैं। पर गाइस ये 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है, सिंपल मूविंग एवरेज जो है, और जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है, ये दोनों मूविंग एवरेज की जो रेंज है कुछ हम कह सकते हैं 200 पॉइंट्स की होगी ये रेंज। पर गाइस ये 200 पॉइंट्स की जो रेंज है, इस 200 पॉइंट्स की रेंज में ही मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, और अपर साइड में मैं जो रेंज है वो 50 पॉइंट से बढ़ाना चाहूंगा, जो कि 11,000 का लेवल हो सकता है। पर गाइस मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जो मैंने आपको अपना बताया था कि दिसंबर एक्सपायरी में 11,000 को अगर तोड़ती है, और 11,000 तोड़ेगी जो मैंने आपको बताया हुआ है, तो 11,150 तक तो निफ्टी आराम से चली जाएगी विद नो कोई भी पैनिक के साथ, आराम से 11,150 तक निफ्टी आराम से जा सकती है। पर गाइस अभी के लिए जो हम रेंज में ट्रेड कर सकते हैं उसके हिसाब से हम ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में वर्क कर सकते हैं, वो है लोअर साइड में 10,750 और अपर साइड में 10,950 to 11,000। सो गाइस अब हमें देखना है कि कल मार्केट किस तरफ ओपन होती है। अगर मार्केट हायर साइड में ओपन होकर 950 के आसपास खुलती है, तो आपको मैं सलाह दूंगा फ्रेश बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, और उल्टा आपको इसमें शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट करके रखनी पड़ेंगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 11,000। पर गाइस अगर मार्केट आपको नीचे मिलती है, तो आपको ये चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है, और ये आप चार्ट मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ये आप अपने निफ्टी के अंदर भी ये ड्रॉ कर सकते हैं ट्रेंड लाइन, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ हम किस लो लेवल से इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, जिस तरीके से आपको सारी की सारी एग्जैक्ट पॉइंट्स पता चल जाती है कि कहाँ से अगर मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ लोअर लेवल से और इसे मैच करते हुए लेकर जा रहा हूँ। सो गाइज आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट जो इसने बनाया लो, वहीं पर ही लो बनाया है इसने जो फॉल का था। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले से ही पता लग जाती हैं, सिर्फ ट्रेंड लाइन का यूज़ करना है, कोई भी हमें इंडिकेटर्स फालतू के यूज़ नहीं करने हैं। और गाइस मैं आपको अगर इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट बना के दिखाता हूँ, और बैंक निफ्टी में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस हमारे लिए काम करेगा, तो वो मैं आपको इसमें दिखाना चाहूँगा निफ्टी के अंदर। गाइस अगर मैं अपने हाई से निफ्टी से अगर लोअर तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाता हूँ, तो आप देख सकते हैं जो आज इसने क्रॉस करा लेवल बनाया वो एग्जैक्ट 50% रिट्रेसमेंट था। यानी कि टॉप से लो तक जो मार्केट गई थी उसका 50% आज मार्केट ने रिट्रेस कर लिया। अब देखना बाकी है कि 50% रिट्रेस करने के बाद ऊपर जो एक सबसे बड़ा हर्डल आता है, जहां से मार्केट ने एक बार क्रॉस करा भी था पर वहां से फॉल कर गई थी मार्केट, तो वो उसे तोड़ पाती है नहीं तोड़ पाती है। अगर नहीं तोड़ पाएगी तो हम वापस कह सकते हैं कि 32 जो गया है से 10,670 का जो लेवल है, जो यहाँ पर एक रेंज आपको शो कर रही है, जो मेजर्ड शेप पैटर्न है, वहां तक जा सकता है। और अगर इसके ऊपर निकल जाती है सो गाइस 61% रिट्रेसमेंट आराम से फुलफिल कर देगी, जो कि 11,110 का लेवल। तो भाई ये भी मैंने आपको दिखा दिया। अब हम बढ़ते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट बना रखा है टॉप से लो तक, तो ये 61% रिट्रेसमेंट को भी क्रॉस कर चुकी है। गाइस क्रॉस करने के बाद अगर हम इसके प्रीवियस में जाते हुए देखेंगे, तो प्रीवियस में भी आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया था, मैं आपको सही करके दिखा दूंगा। आप देख सकते हैं जो इसका हाई था, जो प्रीवियस हाई था, जिसकी जहाँ से हमने फॉल देखी थी, शॉर्ट टर्म फॉल जो थी गाइज वो थी 27,045 का लेवल। और आपको मैंने जो बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन भी बोली थी कि आपको बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशंस बना के चलनी है, पर अगर मार्केट इस लेवल को ब्रीच नहीं कर पाती या ओपनिंग सेशन में इसके आसपास नहीं खुलती, पर गाइज हमने शॉर्ट पोजीशंस नहीं बना पाए, क्योंकि जब मार्केट ओपन हुई तो उस तरीके से ही ओपन हुई कि जो हमारा शॉर्ट पोजीशंस थी वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाते।
सो गाइस अब हमें देखना था कि इसके ऊपर तो इसने थोड़ी बहुत मोमेंटम या 2-3 पॉइंट्स की जो अपर साइड है वो दे दी है। अब इसके ऊपर होल्ड कर पाता है कि यहाँ से भी इस जैसे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई थी बैंक निफ्टी के अंदर इस रेंज पे आई थी, क्या वही रेंज पे यहाँ पर भी हमें ऐसे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो गाइस कल की मार्केट देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर मैं अभी भी कह सकता हूँ कि अपसाइड भी लिमिटेड है, डाउनसाइड थोड़ी सी ज़्यादा है। सो गाइस हमें किस तरफ ट्रेड करना है वो आप समझ ही गए होंगे कि अगर मार्केट थोड़ी सी अपसाइड की तरफ बढ़ती है तो वहां से आप शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट करिए और आपको जो डाउनसाइड के टारगेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आप बाय करने बैठेंगे इस लेवल पे तो आपको ज़्यादा क्वांटिटीज ज़्यादा आप टारगेट्स की तरफ नहीं पॉइंट्स पॉइंट्स की तरफ आप ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। सो गाइस ये कुछ एनालिसिस है जिसकी तरफ हम वर्क कर रहे हैं। अगर मैं आपको investing.com में लेकर जाता हूँ और आपको US मार्केट के बारे में दिखाता हूँ कि US मार्केट अभी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, जो अभी मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ एग्जैक्ट 9 बजे, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि US मार्केट भी आज भी 1% गिरी हुई है, डाउ भी 1% गिरा हुआ है, नैसडैक भी 1% गिरा हुआ है। सो ये मार्केट क्यों गिर रही है? ये मार्केट गिरी है क्योंकि जो फेड की पॉलिसी आ रही है विटनेस डे को, वो हमारी इस US मार्केट को अच्छा पॉसिबल आउटकम नहीं दे पा रही है। दूसरी बात, जो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है US के अंदर, वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है US मार्केट के अंदर, और वॉल स्ट्रीट एक वर्स बन चुका है। सो गाइस अब हमें देखना है कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करती है। गाइस अगर आपको ये मेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने फ़ोन के थ्रू सबसे पहले नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले मिल जाए और आप इस वीडियो को पहले देख के अपना लाभ उठा सकें। सो गाइस इस वीडियो को लाइक करने बिल्कुल मत भूलिएगा, जो भी मेरे व्यूअर्स को देखते हैं एक लाइक बटन दबा के मुझे मोटिवेशन मिल जाती है कि मैं आपके लिए और वैसी वीडियोस बनाते रहूं। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो एजुकेशनल वीडियोस है कैसी लगती है और मुझे इसमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए जो आपको बेनिफिट और अच्छा दे सकती है। सो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे कल नई अगली वीडियो के साथ, साइनिंग ऑफ।